दोस्तों हाल ही में इंदौर का एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो क्योंकि उन्होंने अश्लील कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाया अपने लाइक्स फॉलोवर बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये गलत है तो हमारे भारत में जो बॉलीवुड है उसमें तो उससे भी अश्लील कपड़े पहनकर फिल्म बनाया जाता है, तो वो कहाँ तक सही है। देखिए दोस्तों, मैं किसी अश्लील कपड़े का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये लड़की अपनी वीडियो वायरल कराने के लिए, वायरल करने के लिए, वायरल होने के लिए अश्लील कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में एक वीडियो बनाया लाइक्स फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तो हमारे बॉलीवुड वाले भी अश्लील कपड़े पहनकर वीडियो बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये प्रतिक्रिया आएगा, क्योंकि वो हिंदी बॉलीवुड का जो फिल्म बनता है वो पर्दे के पीछे बनता है। तो भैया मेरे कहने का ये मतलब है, वो पर्दे के पीछे बनता है, पर दिखाया तो पब्लिक प्लेस में ही जाता है, दिखाया तो पब्लिक को ही जाता है। इससे हमारे जनरेशन में, हमारे पब्लिक में, हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में पठान मूवी का एक दीपिका पादुकोण का कपड़ा आया था, जो आप देख रहे हैं ये वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दीपिका पादुकोण है पठान मूवी में, ये किस तरीका का कपड़ा पहने हैं। सिर्फ पठान मूवी में ही नहीं, इस तरीका का बॉलीवुड में हमारे बहुत सारे हीरोइन हैं जो अश्लील कपड़े पहनकर नहाती हैं, जैसे सनी लियोनी का देखिए। ये लड़की तो सिर्फ आपको अश्लील कपड़े पहनकर वीडियो बनाए, हमारे बॉलीवुड में ऐसे ऐसे सीन दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे सीन दिखाया जाता है जिससे नए जनरेशन के नए बच्चे और ज़्यादा भी करते हैं। कपड़े तो दूर, कभी कभी ऐसा सीन जिसमें दिखाया जाता है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो लड़की जो वीडियो बनाई है मैं इसका सपोर्ट हूँ, ऐसे इसका सपोर्ट नहीं हूँ, मैं विरोध इसका भी करता हूँ, पर मैं विरोध किसी आदमी का नहीं हूँ, मैं बस अश्लील का विरोध करता हूँ। जो अश्लील है वो गलत है, अब वो अश्लीलता हमारे देश में, हमारे भारत में बंद होना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, भोजपुरी में हो, या कोई सोशल मीडिया पर हो। अगर मैं चाहता हूँ अपने भारत सरकार से, अगर कोई सोशल मीडिया पर भी कोई अश्लील कपड़ा पहनकर या अश्लील वीडियो बनाए तो वो बैन होना चाहिए, वैसा वीडियो का अलाउ हमारे पब्लिक में नहीं होना चाहिए, ये मेरा मांग है। तो चलिए दोस्तों, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए दीपिका पादुकोण देखिए, कैटरीना कैफ देखिए, ये सोनाक्षी सिन्हा देखिए, ये बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे ऐसे हीरोइन हैं जो अश्लील कपड़े पहनकर हमेशा वीडियो बनाती हैं। अश्लील कपड़े में वो जैसे कि स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर आती है, आलिया भट्ट, यानी बहुत तरीका के इतने हीरोइन को तो मैं नाम भी नहीं जानता जितने वो अश्लील कपड़े पहनते हैं, अश्लील कपड़े पहनकर फिल्म बनाते हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि वो पर्दे के पीछे करते हैं, भैया तो पर्दे के पीछे वो बनाते हैं, पर दिखाते तो पर्दे के बाहर है, दिखाते तो पब्लिक प्लेस में है। इससे हमारे जनरेशन में, हमारे समाज में, हमारे संस्कृति को गलत प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ और सभी राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जहाँ जहाँ जा रहा है, तो सभी लोग उससे भी कहना चाहता हूँ, अपने देश के हर कोने में हर नागरिक से कहना चाहता हूँ कि जो अश्लील वीडियो बनाता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे फिल्म हो या कोई वीडियो हो या रील्स हो, उसको विरोध होना चाहिए, उसको बाइकॉट होना चाहिए, उसको पब्लिक में शेयर नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करिए कि अश्लीलता हमारे भारत के लिए कितना खतरनाक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।